नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम रीजनिंग में करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप एसएससी का ले ले या फिर कोई भी स्टेट लेवल आप एग्जाम ले ले, जहां पर रीजनिंग आती है वहां पर ब्लड रिलेशन आपसे जरूर पूछा जाता है। और ये रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक के अंदर जो स्कोर करना है, आपके जो नंबर लाने हैं, वो इजी है यहां पर। ठीक है, सो अगर आप आज से पहले अगर ब्लड रिलेशन नहीं आता था या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ब्लड रिलेशन ये बिल्कुल बेसिक से क्लास चलाएंगे। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि भाई जो ब्लड रिलेशन है ना, वो होता क्या है। ठीक है, या रक्त संबंध, ठीक है, होता क्या है आपका संबंध। यहाँ पर ब्लड क्या है, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे रिश्ते जो आपके खून से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब खून का रिश्ता कौन सा होता है, जो बाई बर्थ, ठीक है, बाई बर्थ या जन्म के साथ आपको मिलते हैं ऐसे रिश्ते, जैसे कि दादा, दादी, पापा, ठीक है, माँ, ठीक है, ये सारे जो रिश्ते हैं आपके, जितने भी रिश्ते हैं, जैसे चाचा हो गया, ठीक है, ये जितने भी रिश्ते हैं आपके, ये सारे रिश्ते कहाँ से जुड़, कौन से रिश्ते होते हैं आपके, ये आपके ब्लड रिलेशन होते हैं आपके। ठीक है ना, चलिए अब ये तो हो गया ब्लड रिलेशन। कुछ रिश्ते यहाँ पर होते हैं जो आपके कानूनी रिश्ते होते हैं, ठीक है, जैसे जिनके पीछे इन लॉ लगता है, ठीक है, जिनके पीछे इन लॉ लगता है, वो रिश्ते भी आपको यहाँ पर स्टडी करने होते हैं, जिनको कानूनी रिश्ते होते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, ठीक है, पिता तो है लेकिन किससे है, इन लॉ, कानूनी पिता, ठीक है, कानूनी पिता मतलब ससुर, ठीक है, वो आपके खून का रिश्ता तो नहीं है उनके साथ, लेकिन इन लॉ रिश्ता है, आप सात फेरे लेने के बाद कानून के दायरे में वो आपके फादर इन लॉ हो गए। ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया आपका ऐसे ही, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, साला आपका हो गया, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गई आपकी, भाभी आपकी हो गई, साली हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है, जो ये वाली जो चीज़ें यहाँ पर आपकी हैं सारी की सारी, ये कानूनी है और ये आपके जो है रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन है। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि यार रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिश्ते तो हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उन्हें उतारा कैसे जाए, सिंबल्स। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंबल्स फॉर ब्लड रिलेशन। ठीक है, सिंबल्स क्या होने चाहिए आपके पास, ये चीज भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपकी जनरेशन अगर आपसे ऊपर है, ठीक है, यहां पर आएगी जनरेशन, ठीक है, इसे साथ साथ आप देखते जाना, यहाँ पर वो जनरेशन आएगी जो आपसे ऊपर है, और आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप उससे, जितनी भी जनरेशन आप नीचे हैं, आप अपना यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम निशान सिंबल्स बाद में समझेंगे, पहले बात आती है जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मीन्स अगर आपको लाना है पापा, तो पापा, ठीक है, ये एक जनरेशन हो गई। अब पापा के बेटे आप हैं, तो आप इनसे बिल्कुल नीचे आएंगे यू। ठीक है, ये आ गया समझिए आपको मतलब, या फिर तुम खुद आप। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं दादाजी, और अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर दादाजी को ऐड करने के बाद, ठीक है, हमने भाई कहा भाई ये तो हो गया पापा का, ठीक है, अब हम यहाँ दादाजी को ऐड करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले दादाजी, ठीक है, यहाँ पर आपका मैं लिख देता हूँ दादाजी, इनके नीचे की फिर जनरेशन, दादाजी के बेटे कौन, पापा, आपके पापा, पापा से जनरेशन नीचे कौन, तुम खुद, मीन्स यू। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको ये चीज़ें कि जनरेशन आपको जो है वो सिस्टमेटिक रखनी है, सबसे पहले सबसे बड़ी जनरेशन, उसके बाद उसके नीचे वाली जनरेशन, उसके बाद उससे नीचे, और अगर आपका भी कोई बेटा होता है तो वो योर सन, जो आपका बेटा है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं सिंबल्स के लिए। ठीक है, देखिए जब भी पति पत्नी, ठीक है, जब भी आप पति या पत्नी का, ठीक है, पत्नी आप देख लेना, जब भी हस्बैंड वाइफ का आप जब करोगे, तो उसे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से करना है। अब जो पति होंगे वो पॉजिटिव दिखाए जाएंगे,
पत्नी जो होगी वो नेगेटिव। यहाँ पर पत्नी का मतलब जितनी भी फीमेल होंगी, ठीक है, जितनी भी फीमेल होंगी वो माइनस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जितने भी मेल होंगे वो यहाँ पर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। और अगर पति पत्नी है तो उनको डबल एरो, डबल साइडेड जो एरो है इनसे आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि श्याम की पत्नी है राधा, तो यहाँ से यहाँ पर राधा, ठीक है, लेकिन राधा महिला है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव आपको लगाना है जो आपको बता सके कि ये राधा जो है वो महिला है और श्याम जो है वो आपका पुरुष है, ठीक है। नाम पर नहीं जाइएगा कि राधा नाम है तो महिला ही होगी, अगर ऐसा होता तो जो किरण कुमार है, ठीक है, किरण कुमार जो है वो किरण नाम से महिला होनी चाहिए थी लेकिन वो पुरुष है, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पति पत्नी के लिए हो गया, ठीक है। जनरेशन गैप के लिए आप सीधी डंडी ऐसे नीचे यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पापा, यहाँ पर बेटा, बीच में सीधी आप लाइन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच गया आपके पास, इसके बाद भाई बहन, ठीक है। इसके बाद अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, भाई बहन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आप हो गया भाई, इसके बीच में सीधी लाइन और बहन, ठीक है। भाई बहन के लिए आप सीधी लाइन यूज करेंगे, ठीक है भाई, भाई बहन आपने यूज कर लिया सीधी लाइन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे सवाल के ऊपर भाई, ठीक है, इतना इसमें समझने लायक है, बाकी सवाल करोगे तो आप अपने आप समझते जाओगे, ठीक है ना, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, सवाल करते जाओ और समझते जाओ चीज़ों को, ठीक है। इतनी ही चीज़ें अगर आपने समझ ली, भाई पॉजिटिव है, बहन नेगेटिव है, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ लोगे। चलो अब सवाल पे चलते हैं आगे। चलिए एक सवाल लग गया हमारे पास बेहतरीन सा, कह रहे अनन्या सत्या की माँ है, अनन्या जो है वो सत्या की माँ है। तो अब मैंने बताया था जनरेशन, तो सत्या की माँ कौन है, अनन्या, अनन्या जो है वो ऊपर वाली जनरेशन है, ये नेगेटिव है, माँ है तो नेगेटिव यहाँ पर लगा दी, और इसका बेटा, इसकी माँ है सत्या, सत्या की माँ है अनन्या, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि जो सत्या है ये पुरुष है या महिला है, क्योंकि सत्या नाम पुरुष का भी है महिला का भी, लेकिन ब्लड रिलेशन में हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, हम नाम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि राधा है तो महिला है और अगर श्याम है तो पुरुष है, लेकिन जब तक आपको सवाल में ना बताया जाए कि ये महिला है या पुरुष है तब तक आप उसे अभी रख के चलेंगे, हम ना इसे पुरुष मान रहे हैं ना महिला मान रहे हैं, हम इसे रख रहे हैं कि जब आगे सवाल में बचेगा तो हम देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई है भैया, चलिए उसके बाद कह रहा है और स्टेफेन भीमा का पुत्र है, ठीक है। तो भैया एक बार मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हमें दिखना चाहिए बस इतना ही, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी ये कह रहा है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, अनन्या वाली चीज़ें आपको समझ में आई गई है, ठीक है, कि अनन्या किसकी माँ है, सत्या की। चलिए अब वो कह रहा है स्टेफन जो है वो भीमा का पुत्र है, तो यहाँ पर मैं भीमा रख देता हूँ भाई, भीमा, और इसका पुत्र है, भीमा का पुत्र है तो पॉजिटिव ही होगा, इसका पुत्र है आपका स्टेफन, स्टेफन, ठीक है, स्टेफन जो है वो भीमा का पुत्र है, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अनन्या का अर्नेस्ट अनन्या का भाई है, अब अर्नेस्ट जो है वो अनन्या का भाई है। अब मैंने आपको बताया था एक चीज के लिए, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी भाई वाला होगा उसे आपको सीधा करना है, ठीक है, तो अभी हम इसे सीधी लाइन यहां करके और यहां पर हम कर लेते अर्नेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट, और यहाँ पर पॉजिटिव निशान, ठीक है, क्योंकि पुरुष है, ठीक है, अर्नेस्ट अनन्या का भाई है। तो जब भी दो आदमियों के बीच में ऐसी सीधी लाइन होगी तो मतलब वो भाई बहन का रिलेशन दिखाएंगे अभी, ठीक है। यदि सत्या स्टेफन की बहन है, अगर सत्या स्टेफन की बहन है, ठीक है, तो सत्या को नेगेटिव हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है बहन है, और अगर बहन है तो इसे सीधी लाइन से बहन या भाई के बीच का रिश्ता सीधी लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात पता लगा कि देखिए स्टेफन का बाप है भीमा, सत्या की माँ है अनन्या, और ये दोनों भाई बहन है, तो ये आपस में क्या हुए, ये आपस में हो गए पति पत्नी, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट बात है भाई, दो बच्चे हैं, एक का बाप ये है, एक ये इसकी माँ है, और दोनों भाई बहन है, तो इसके मतलब ये दोनों पति पत्नी होंगे और पति पत्नी को हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं तो भीमा अर्नेस्ट से किस प्रकार संबंधित है, भीमा अर्नेस्ट से किस प्रकार संबंधित है। तब आपको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर
पुत्र नहीं हो सकता, माँ नहीं हो सकती, भाई नहीं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, साला, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको, जीजा या साला, ब्रदर इन लॉ आपको पता लग गया, ठीक है। सो यहां पर अर्नेस्ट से किस प्रकार संबंधित है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। होप सो ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको, और आपने बनाने की भी कोशिश की होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला सवाल कहते हैं सुमित के दादा के भाई, ठीक है भाई, सुमित के दादा के भाई, अब हमें बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सुमित लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। अब सुमित आया है तो सुमित के पिताजी भी होंगे, ठीक है, ये पी छोटी कर लेना भाई, ठीक है, सुमित के पिताजी भी होंगे और फिर ही तो इनके दादा होएंगे, ठीक है। ये पिता था नहीं, लेकिन हमने अपने आप एक जनरेशन बना ली भाई, सुमित, सुमित के पिताजी, पिताजी के पिताजी मतलब दादा, और दादा के भाई, ठीक है, दादा के भाई, दोनों पॉजिटिव हैं, भाई भाई हैं, ठीक है, ये सीधी लाइन से भाई कर दिए, इतना चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद के भाई हेमंत के पिता हैं, सुमित के दादा के भाई, सुमित के दादा के भाई हेमंत के पिता हैं, तो यहां पर आपको लिखना होगा हेमंत, हेमंत, हेमंत के पिता के पिता, ठीक है। मतलब कि हेमंत, हेमंत का, हेमंत के दादा और सुमित के दादा आपस में भाई भाई है, ठीक है। सुमित हेमंत से किस प्रकार संबंधित है, अब आपको बताना है सुमित हेमंत से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, ये दोनों भाई भाई, इनके दोनों बेटा, ठीक है, दादा दो भाई हैं, भाइयों के बेटे आपस में कजन, ठीक है, चचेरे भाई, और जो इनके बेटे हुए वो भी आपस में क्या लगेंगे, चचेरे भाई। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया है, चचेरे भाई, ठीक है। सुमित हेमंत से किस प्रकार संबंधित है, चचेरा भाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में। होप्स होगी आप सभी लोग बनाना सीख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे आपको सवाल बनाने हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ही जब आप सवाल बनाते रहेंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही, अपने आप सारे के सारे सवाल आपके बनते जाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अंजलि का भाई श्याम राजेंद्र के बेटे का दादा है। देखिए जब भी इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना, जैसे अंजलि का भाई, श्याम का भाई, राम का भाई, मोहन का भाई, तो सबसे पहले जिसका भाई हो ना उसे लिख लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पर हमें लिख लेना चाहिए अंजलि, ठीक है, अंजलि हमने लिख लिया, ठीक है। अंजलि का भाई भी होगा कोई, तो ये हमने अंजलि नेगेटिव है, इसका भाई का हमने भाई लगा लिया यहां पर और उसको पॉजिटिव रख लिया, ठीक है। भाई श्याम, भाई भाई का नाम दिया हुआ है श्याम, ठीक है, तो यहाँ भाई का नाम है श्याम, चलिए भाई श्याम लिखेंगे, अंजलि का भाई श्याम, ठीक है। श्याम राजेंद्र के बेटे का दादा है, ठीक है। अब राजेंद्र कोई है, ठीक है, अब हमें राजेंद्र को बनाना पड़ेगा भाई पहले, ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लगा लेते हैं और इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है, किसे यहाँ लगा लेते हैं। चलिए अंजलि का भाई श्याम राजेंद्र के बेटे का दादा है, तो मतलब ये राजेंद्र और ये उसका बेटा। देखो वो कह रहा है जो श्याम है ना वो राजेंद्र के बेटे का दादा है, तो भाई राजेंद्र का बेटा जो होगा उसका दादा तो तभी बनेगा जब श्याम राजेंद्र का पिता होगा। भाई श्याम अगर राजेंद्र का पिताजी होगा तभी तो राजेंद्र के बेटे का दादा बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपने दिमाग लगाया कि राजेंद्र के बेटे का दादा है तो इसका मतलब राजेंद्र का जो बाप है वो श्याम ही है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर राजेंद्र के कोई भाई बहन नहीं है, उसके बाद कह रहे हैं अगर राजेंद्र के अकेला इकलौता बेटा है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, ठीक है, नहीं है, तो श्याम राजेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो बिल्कुल सिंपल हमने पहले ही निकाल लिया ये पूछने से पहले ही, पिता, ठीक है, तो कोई भाई बहन नहीं है तो ये इसका श्याम जो है वो राजेंद्र का पिताजी है, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, ठीक है ना, सिर्फ समझना है आपको ब्लड रिलेशन को कि करना कैसे है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ए बी की माँ है, तो भाई ए को यहाँ रख दो नेगेटिव और बी इसकी माँ है,
ठीक है, बी सी का पुत्र है, तो यहां पर आपको कंफर्म हो गया बी तो मेल है और सी का पुत्र है, तो सी आपको देखो माँ ये है बी की, और बी बेटा भी है किसका, सी का, तो मतलब ये आपस में और सी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है, तो ये प्लस लगा दिया। और यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये इसका भी बेटा है और इसका भी बेटा है, डबल ऐसे आपने, ठीक है, कंफर्म रहेगा आपको। चलिए इसके बाद वो कह रहा है सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, ठीक है, सी और डी आपस में ये जो दो हैं, सी जो है डी का भाई है, डी अभी कंफर्म नहीं है ये महिला है या पुरुष है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कह रहा है जो डी है वो नीस है, मतलब भतीजी है किसकी, ई की, ठीक है भाई, ई है कोई, उसकी भतीजी कौन है, डी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ई की भतीजी डी है, तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये कोई महिला है। अब इसने लास्ट में पूछा है सी किस प्रकार इसे संबंधित है, तो आप खुद देखिए ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, तो अगर बहन भतीजी है तो भाई भतीजा होगा आपका, ठीक है, अगर बहन भतीजी है आपकी तो भाई ऑटोमेटिक भतीजा होगा, नेफ्यू होगा आपका, सो राइट आंसर इज ऑप्शन वन, नेफ्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ब्लड रिलेशन इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सूरज एक लड़की की ओर इशारा करता है, तो देखिए ऐसे सवाल जब भी आपके पास आए तो सबसे पहले यहाँ पर आप बना लो सूरज, ठीक है, यहाँ आप बना लो लड़की, ठीक है भाई, सूरज और लड़की, एक बार इसे छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगी, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, अब चलते हैं। चलो सूरज एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पिता के दामाद की अकेली बेटी है, ठीक है, वह मेरे पिता के दामाद की, सूरज, चलिए सूरज के पिता, ठीक है भाई, पिता होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिता वह मेरे पिता के दामाद की, दामाद की अकेली बेटी है, ठीक है, तो देखिए पिता, पिता के भी कोई एक बेटी रही होगी, ठीक है, पिता के एक बेटी रही होगी, उस बेटी से किसकी शादी हुई होगी, तो मतलब इस बेटी का हस्बैंड, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा इजी आपको समझने में रहेगा, ठीक है, और इस लड़की को यहाँ से एक बार के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पिता है, सूरज कह रहा है वह मेरे पिता के दामाद की अकेली बेटी, तो सूरज के पिता, तो पिता का दामाद कब बनेगा, जब सूरज की कोई बहन होगी, ठीक है भाई, सूरज की कोई बहन होगी, ये पिता है, इसका एक बेटा है, बेटी है, और बेटी का कोई पति भी रहा होगा, ठीक है, शादी करी होगी, और फिर इन दोनों से एक बेटी, वो लड़की पैदा हुई है, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है वह लड़की सूरज की क्या लगती है, अब आप देखो सूरज की बहन की बेटी, भांजी, ठीक है, सूरज की बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, भांजी ही तो लगेगी, लड़का होता तो भांजा, लड़की होती तो भांजी, तो वेरी सिंपल, पिता का दामाद जब ही बनेगा जब सूरज की कोई बहन होगी, बहन का पति होगा, उनकी एक लड़की होगी, और वह लड़की बहन की बेटी सूरज की लगेगी, भांजी, सो राइट आंसर इज ऑप्शन वन, भांजी, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ तक आपको हमने कुछ सवाल करवाए हैं, ठीक है, आपको जो ब्लड रिलेशन है उसमें थोड़ा सा आपका माइंड सेट हुआ होगा कि यार कि ब्लड रिलेशन को आप कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व और हाउ टू आप जज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगी होगी, ठीक है। कल इसके एडवांस भी सवाल हम लेके आएंगे आगे, लेकिन अभी तक आपको थोड़ा सा अगर आइडिया लगे तो आप सारे ही सवाल कर लोगे, ठीक है ना, मोस्टली इसी टाइप के जो सवाल है वो आपके वहाँ पर एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा, मैं उन्हें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।